हेलो एंड वेलकम टू सिली पॉइंट, एक ऐसा शो जहां पर हम आपको कुछ दिलचस्प क्रिकेट से जुड़ी बातें बताते हैं और रूबरू कराते हैं कुछ आपके फेवरेट खिलाड़ियों के लेसर नोन फैक्ट्स के साथ। आज मैं बात करूंगा आंड्रे रसल की, क्योंकि इस सीजन इस T20 टूर्नामेंट के अंदर आंड्रे रसल जिसे कहते हैं फ्लेवर ऑफ द टूर्नामेंट है। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, टीम्स को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें रोका जाए तो कैसे रोका जाए, और कोलकाता इस बात से सबसे ज़्यादा खुश है क्योंकि उनके लिए एक बेहतरीन साइनिंग रहे हैं आंड्रे रसल। वेस्ट इंडियन खिलाड़ी हैं आंड्रे रसल, लेकिन एक आइलैंड से आते हैं, जमैका से, और जमैका की आबो हवा की बात ही कुछ और है। चाहे उनकी बीचेस हों, चाहे वो जिसे कहते हैं सन एंड सैंड और म्यूज़िक का माहौल हो, जमैकन बीट्स हो, उस तरह का दिल उनका भी धड़कता है। और जमैका ने वेस्ट इंडीज़ और विश्व क्रिकेट को कुछ बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं, उसमें से चार पांच नाम मेरे जहन में आते हैं। सबसे पहले तो माइकल होल्डिंग, विस्परिंग डेथ के नाम से जाने जाते थे, विश्व प्रसिद्ध गेंदबाज जो बाद में कमेंटेटर बन गए, पर विस्परिंग डेथ उन्हें इसलिए कहते थे क्योंकि इतनी साइलेंटली रनअप करके आते थे पॉपिंग क्रीज तक कि अंपायर को सुनाई भी नहीं देते थे उनके पैरों के कदम जब तक वो गेंद नहीं डालते थे। तो अंपायर्स के लिए तो मुश्किल थी ही थी, बैट्समैन के लिए तो वो मुश्किल हमेशा से ही बने रहे। तो माइकल होल्डिंग एक नाम आता है जहन में। एक और नाम आता है जेफ्री डूजॉन का। जेफ्री डूजॉन याद रखिए वेस्ट इंडीज़ टीम के विकेट कीपर रहे, बहुत ही केपेबल कीपर, उसके बाद फिर कमेंटेटर भी बन गए, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट काफ़ी कवर की उन्होंने, लेकिन उनकी सबसे बड़ी निराशा यही रही कि वो कभी भी विश्व कप नहीं जीते वेस्ट इंडीज़ की टीम के साथ। माइकल होल्डिंग ने याद रखिए 1979 का जो वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ ने जीता था उस टीम का हिस्सा थे, तो जानते हैं क्या चाहिए एक वर्ल्ड कप जीतने के अंदर। जेफ डूजॉन बेहतरीन कीपर, बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन लोअर ऑर्डर बैट्समैन भी, लेकिन वर्ल्ड कप उनके नाम नहीं रहा। एक और नाम आता है और वो है मार्लन सैमुअल्स का नाम। मार्लन सैमुअल्स, कई लोग सोचेंगे इतने प्रसिद्ध खिलाड़ी क्यों, मैं मान रहा हूँ उनके बारे में बात कर रहा हूँ। एक और जमैकन है, और याद रखिए उनकी कंट्रीब्यूशन वेस्ट इंडीज़ ने जो 2012 और उसके बाद 2016 का T20 वर्ल्ड कप जीता था, उन दोनों मैचेस में फाइनल के अंदर मार्लन सैमुअल्स की अहमियत को आप नकार नहीं सकते। अहम प्लेयर हैं, अहम कंट्रीब्यूटर हैं वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए, खासतौर पर लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में। और एक और जमैकन खिलाड़ी, और एक और जमैकन खिलाड़ी जिनका जिन्होंने जमैका को वर्ल्ड मैप पे डाल दिया अपनी क्रिकेटिंग एबिलिटी और साथ ही साथ अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी और डिमीनर के साथ, यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल जमैका से ही हैं याद रखिए, और उनके नाम कितने रिकॉर्ड्स हैं वो तो मैं आपको गिनवाते जाऊंगा तो शायद ये एपिसोड छोटा हो जाएगा। पर याद रखिए इस टूर्नामेंट में, T20 टूर्नामेंट में भारत के अंदर उन्होंने 300 से अधिक सिक्सेस लगाए हैं। पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने 300 सिक्सेस का आंकड़ा पार किया, क्रिस गेल। तो जमैकन फ्लेवर बिल्कुल है, और वहीं के ही हैं, जमैका के ही हैं आंड्रे रसल। तो नेक्स्ट बिग थिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ज़बरदस्त बैट्समैन तो हैं, लोग जानते हैं उनके बारे में, एक बेहतरीन गेंदबाज भी हैं, न्यू बॉल संभाल सकते हैं, नई गेंद से गेंदबाजी कर सकते हैं, सीमा बेहतरीन गेंदबाज। और याद रखिए कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर एक ऐसा मैच था जहां पर आंड्रे रसल ने 40 बॉल में एक शतक लगाया था, और उसी मैच में जाके फिर उन्होंने एक हैट्रिक भी निकाली थी, और जो डेनली के बाद केवल दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने एक ही मैच में शतक लगाया हो T20 के और साथ ही साथ एक हैट्रिक भी ली हो। तो आंड्रे रसल एक यूटिलिटी बाय कोलकाता की टीम के लिए और विपक्षी टीमों के लिए कहर मान लीजिए। चलिए आज सिली पॉइंट के इस एपिसोड में केवल इतना ही, मैं फिर लौटूंगा और बताऊंगा कुछ और इंटरेस्टिंग कहानियां इन क्रिकेटर्स और उनकी लाइफ के बारे में।